श्रावण मास, श्रावण के दिन चल रहे हैं, त्योहारों के आनंदोत्सव मनाने के। श्रावण सोमवार हो गया और भी रक्षाबंधन, और फिर त्योहारों का महाराजा श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, राधा अष्टमी, गणेश जी, हरतालिका। ऐसे श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समय बीत रहा, अच्छे दिन बुरे दिन, दिन पर दिन बीत गए। मंदिर में गए, पूजा चढ़ाई, दान धर्म किया, घर आ गए, फिर संसार में लग गए। कबीर, मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल, दिवस चारिका पेखना विनश जाएगा काल। मंदिर में आना जाना, मूर्त देखना, कबीर मंदिर लाख का हीरा जड़िया लाल। जिस प्रकार वो मंदिर की इमारत, दीवारें, ईंट एक न एक दिन गिर जाएगी, ऐसे ही कबीर जी कहते ये शरीर रूपी मंदिर जिसके भीतर आत्म रूपी हीरा जड़ा है, चमचमाता आत्म हीरा, जिसकी प्राप्ति के पश्चात उन्होंने कहा, जब मुझे मिला आत्म हीरा तब सब जग लगा सवा कसीरा। क्या रे, सारे संसार की कीमत सवा शेर की न रही जब आत्म हीरा प्राप्त हुआ। उसके विषय में कबीर जी कहते हैं ऐसे ही इस शरीर रूपी मंदिर में आत्म रूपी हीरा है। जैसे वो मंदिर की इमारत टूट जाएगी किंतु हीरा वैसा का वैसा रहेगा। सैकड़ों हजारों वर्ष तक उच्चूना बह जगह, ईंट फूट जाएगी, मिट्टी टूट जाएगी, हीरा वैसा का वैसा रहेगा। ऐसे ही इस स्थूल शरीर छूट भी गया किंतु आत्मा में हीरा वैसा का वैसा रहेगा। क्यों ना उसकी ओर ध्यान दे। कब तक मंदिर ही चाटे, कब तक शरीर की ही रक्षा करे। उस शरीर में चमचमाते आत्म हीरे की ओर ध्यान। कबीर, जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेती सके तो चेती ले मीच परी है ख्याल। ख्याल तलवार, द स्वॉर्ड इज हैंगिंग ऑन द नेक, गर्दन पर तलवार टंग रही है हर क्षण, नित्य सन्निहितो मृत्यु। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है अर्जुन, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित है, नियोजित है, पक्की है। ऐसे समय में चेत सके तो चेत ले, देख सके तो देख ले, बिजली चमकी है सुई में धागा डाल ले। इतनी अंधेरी रात में बिजली चमचमाई तो
दो क्षण के लिए उजाला हुआ है, गीता के शब्द कान पर पड़े हैं, ध्यान का आनंद लेकर अनुभव किया है, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम पर जिह्वा पर आ चुका है, अर्थात अंधेरे में भी बिजली चमकी है, चेत सके तो चेत ले, ये रही सुई ये रहा धागा उसमें गुंता ले, कबीर जो दिन आज है, अन्यथा कहते ये निकल जाएगा, ये नदियाँ तो बहती जाएगी, सो दिन नहीं काल, ये दिन निकल जाएगा तो फिर पता नहीं कैसा दिन आएगा। तो गांभीर्य पूर्वक खाली सुनने के लिए नहीं, विचार के लिए, रह दूर हर दम पाप से, निष्पाप हो निष्काम हो, निर्दोष पातक से रहित निस्संग आत्मा राम हो। भगवत परम निष्पाप है, तू पाप अपने धोय रे, भगवत तुरत ही दर्श दे, अगहीन अर्थात पाप रहित यदि तू होय रहे। दूसरे की निंदा, दूसरे का बुरा सोचना, किसी का नुकसान, ये पाप अगर छूट जाए, पर हित सम नहीं साहेब सेवा, पर पीड़ा न सम दुख नहीं दूजा, दूसरों को पीड़ा देने जैसा पाप नहीं, दूसरों की हित करने जैसी सेवा नहीं। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोल रे, संकल्प मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे, ऐसी किया कर भावना, नहीं दूर तुझसे लेश है, रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है। जय श्री कृष्ण। श्रावण मास आ ही गया, कृष्ण का नाम ले ही लिया, तो क्यों न वेदों में आया उसका पुरुष सूक्त भी सुन ले। अत्यंत प्रभावशाली छोटा सा ओरिजिनल वेदों में आया, छंदों में गाया, काव्यबद्ध विराट पुरुष का वर्णन, जैसे गणेश जी का श्री गणेशाय नमः करके अथर्व शीर्ष सुना, ऐसे ही श्री विष्णुवे नमः, हरि ओम। तो 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आज पूर्ण करेंगे, और उसके पश्चात ध्यान में पुरुष सूक्त भगवान का विराट स्वरूप का वेदों का वर्णन भी सुनेंगे। ऐसा सुनहरा अवसर। जय श्री कृष्ण। Recording stopped.